दी, मैं देखी कि यहाँ पे जावेद अली भी आए, मिठाली ठाकुर भी आई, बट वो शायद मैं मिस कर दी, बट मुझे आना चाहिए था, मुझे देखना था। मिठाली है तो ब्याह कर भी बस अच्छा ही। यहाँ तो गर्ल्स को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिल रहा है पहले के अकॉर्डिंग, तो ये सब अच्छा ही है। पहले लड़कियां उतना घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब निकल रही हैं, तो ये डेवलपमेंट करे एजुकेशन में। हाँ, यहाँ पे जैसे जॉब्स ये सब में, थोड़ा फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, ये सब का चाहेंगे बदलाव। और क्या, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। लाइक सबसे पहले तो गर्ल्स एजुकेशन है, उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। जो गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स लगाई है गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, लाइक अगर लड़कियां ग्रेजुएशन कर लेती है तो उनको 50,000 रुपये मिलते हैं। इससे जो पेरेंट्स होते हैं वो और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं लड़कियों के। कृषि विभाग देखने को मिला बच्चा को जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छा लगाया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत किया गया है उन लोगों के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। कुछ तो बदलाव हुआ है, जैसे शराब बंद हुआ है, दहेज पे भी थोड़ा कंट्रोल है, तो आगे अगर ये वाला प्रोसेस रियलिटी में हर जगह पे हो जाए तो सही। नहीं नहीं पूछ के ही आए हैं, नहीं नहीं पूछ के ही आए हैं, हम लोग तो पूछ के ही आते हैं, तुम पूछ के ही हो। बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है हर एक चीज में, क्रिएटिविटी। वहाँ मैथ वाला जो पोर्शन था वहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी। कुमार के आने से तो बहुत चेंजेस हुए, पहले मैं यहाँ नहीं रहती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है बिहार। पहले अपनी मिट्टी है, अपनी मिट्टी से दूर रहना नहीं चाहिए, तो आकर एक बार देखें कि पहले वाला बिहार अब नहीं रह गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत कुछ जानकारी भी मिली बिहार दिवस में, क्या क्या हमारा मतलब बिहार डेवलप कर रहा है, और पर्यटन विभाग हम लोग को बहुत अच्छा लगा, जहाँ हमें देखने को मिला कि क्या क्या चीज है जो बिहार में हम लोग घूम। हमारे एजुकेशन में ही, बट ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में बदलाव होना चाहिए। हेलो बिहार, मेरा नाम है विशाल। बिहार अब 111 साल का हो गया है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के बड़ा हुआ बिहार अब 111 साल का हो गया। ऐसे में हर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ऐसे में अभी मौजूद है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां हमारे पीछे देख रहे होंगे आपको नजारा किस तरीके से बिहार दिवस को लेकर के पूरा गांधी मैदान सजाया गया है। रात में कार्यक्रम होता है, कई जो हस्ती है, बड़े बड़े हस्ती, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर कई सिंगर्स आते हैं और यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। देखिए अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, हमारे पीछे आपको कई सारे नजारे दिख रहे होंगे, कई अलग अलग स्टॉल हैं, और बिहार की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो धरोहर है, उसको इस गांधी मैदान में दिखाने की कोशिश की गई है अलग अलग स्टॉल के जरिए। और यहाँ जो है पूरे बिहार के लोग पटना गांधी मैदान पहुँच रहे हैं और अपने धरोहर को, अपनी संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 22 मार्च को हर साल की तरह इस बार भी बिहार दिवस मनाया गया, और इसका जो उद्घाटन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। तो चलिए हम सीधे तौर पर यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं बिहार अब कितना बदला है पहले वाले बिहार से, और बिहार अब 111 साल का हो गया है, किस तरीके से बिहार को देखते हैं और क्या लगता है और आने वाले दिनों में बिहार में क्या बदलाव होने चाहिए। क्या नाम? पुष्पांजलि। कहाँ से आए? दीघा। हम लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम अच्छा ही लग रहा है। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, पर हम यहाँ फर्स्ट टाइम ये देखने के लिए आए। फर्स्ट टाइम देख रहे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बिहार में क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या कुछ चाहते हैं बदलाव हो? बहुत कुछ तो बदलाव हुआ है, जैसे शराब बंद हुआ है, दहेज पे भी थोड़ा कंट्रोल है, तो आगे अगर ये वाला प्रोसेस रियलिटी में हर जगह पे हो जाए तो सही रहेगा। दोस्तों के साथ आए घूमने के लिए, मजा आ रहा है? बहुत बहुत। क्या नाम? एक मिनट, क्या नाम? सर्वांशी। कहाँ से आए? पटना सिटी। पटना सिटी घूमे यहाँ पे? हाँ अभी तो आए। क्या क्या देखने को मिला? कृषि विभाग देखने को मिला बच्चा को जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छा लगाया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत किया गया है उन लोगों के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए लड़की होने के नाते क्या चाहते हैं समाज में, बिहार में बदलाव हो और क्या कुछ देखने को मिलना चाहिए बदलाव? खैर जितना मैंने अभी तक देखा है वो से तो लग रहा है कि बदलाव हो रहा है। हो रहा है? हाँ बदलाव तो हो रहा है, जितना मेहनत इन लोग ने किया है पता चल रहा है पूरा कि हाँ मेहनत हुआ है। यहाँ देखिए बदलाव लग रहा है, समाज में बदलाव, समाज में भी हो रहा है। समाज हाँ हाँ हाँ। पापा बताते होंगे पहले बारे में बिहार कैसा था, बहुत बदला है? हाँ हाँ बहुत बदला, बहुत बदला, जैसे बताते थे कि इतना कुछ नहीं होता था।
अब नहीं नहीं इतनी तो बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत दिख रहा है कि हाँ पूरा मेहनत किया गया, अच्छे से दिखाया गया बिहार को। अच्छा मम्मी से पूछ के आए कि नहीं नहीं पूछ के ही आए हैं, नहीं नहीं पूछ के ही आए हैं, हम लोग तो पूछ के ही आते हैं। तो पूछ के आई हो? पूछ के आई जी जी बिल्कुल, मम्मी की परमिशन लेकर के आई हुई कैमरा में आ रही है। कैमरा में तभी आ रही है, परमिशन लेकर के ही आई हुई। तो कैसा लगा यहाँ पे घूम करके? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है हर एक चीज में क्रिएटिविटी। वहाँ मैथ वाला जो पोर्शन था वहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा मुझे। क्या क्या देखने को सीखने को मिला और क्या चाहते? सीखने के लिए तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है ना, लाइक देखिए स्क्रैप बुक्स भी बहुत सारे हैं मैथ के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी के लिए, एलकेजी के लिए स्क्रैप बुक्स, कुछ कुछ प्लेस टॉयज, वो सब लर्निंग के लिए वो सब बहुत अच्छा। बड़े बड़े सिंगर भी आते हैं शाम में यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस देते हैं, आपने देखा है कभी इससे पहले? नहीं वो तो मैं मिस कर दी, मैं देखी कि यहाँ पे जावेद अली भी आए, मिठाली ठाकुर भी आई, बट वो शायद मैं मिस कर दी, बट मुझे आना चाहिए था, मुझे देखना था। ओवरऑल मजा आ रहा है? हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। घर से कह रहे हैं कि यहाँ बिहारी हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पूरे गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं बिहारी हूँ। तो बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे बस जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टिकट मिल जाएगी आपको, क्या कहना चाहेंगे बारे में, क्या कहना चाहेंगे? तो बिहार से बाहर रह रहे हैं और तो वापस आने के लिए क्या कहेंगे, या ये बिहार अब बदल गया है तो कैसा? नहीं देखिए बिहार में तो बदलाव बहुत ज्यादा हुई है, मेरे लिए ये पटना में भी देखा जा रहा है, जैसे कि हमारा मरीन ड्राइव बन गया तो ये हमारे मीन्स क्या है ट्रैवल के लिए बहुत आसान हो गया यहाँ पे। अभी भी ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे मेट्रो को लेकर के भी, तो वो भी हमारे लिए बहुत आने वाले फ्यूचर टाइम में बहुत इजी होने वाला है हमारा ट्रैवल टाइम, ये सब बहुत सारा बदलाव बिहार में हो ही रहा है। थैंक यू सो मच। बिहार दिवस में यहाँ पे आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार का एक गौरव है, 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव तो गर्ल्स को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिल रहा है पहले के अकॉर्डिंग, तो ये सब अच्छा ही है। पहले लड़कियां उतना घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब निकल रही हैं तो ये अच्छा है। अब लड़कियां घर से बाहर निकल गाने मैदान भी आ रही है, अकेले भी आ रही है। और क्या कुछ चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, लोगों के मेंटेलिटी में बदलाव हो? मेंटेलिटी ही बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेंटेलिटी किस तौर पे? जैसे छोटा सोच रहता है लोगों का, छोटा सोच, हाँ, और कुछ बदलाव चाहती है फिर डेवलपमेंट करे एजुकेशन में, हाँ यहाँ पे जैसे जॉब्स ये सब में, थोड़ा फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, ये सब का चाहेंगे बदलाव। और क्या पापा बताते होंगे पहले पुराना बिहार के बारे में और अभी का बिहार आपको? हाँ तो ये सुना कि पहले का बिहार कैसा था? गर्ल्स के सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा पहले नहीं था, अब बहुत है, तो यही चेंजेस है, ये बदलाव देखने को मिला है। हाँ ये बदलाव देखने को मिला है। और कुछ बिहार के बारे में बताइए कि बिहार 111 साल का हो गया है, हाँ। हमारा जिस तरीके से गौरव गाथा है, संस्कृति है, धरोहर है, सभ्यता है, कुछ इसके बारे में बताइए। इसके बारे में क्या बोलूं मैं, महापुरुष के बारे में बताइए। गौतम बुद्ध, गया, ये सब हैं, और महापुरुष के बारे में कुछ यहाँ से, जैसे गांधी जी चंपारण से यहाँ से यात्रा शुरू किए थे, हाँ। गौतम बुद्ध को यहाँ शिक्षा मिला था, ज्ञान प्राप्त हुई थी, कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में। अभी रिसेंट का देख लीजिए, खान सर भी तो बिहार से ही है। खान सर के बारे में, हाँ। खान सर के फैन है, अब एजुकेशन में वो अच्छे हैं तो है ही फैन। अच्छा अच्छा पढ़ाते थे, हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रुति है। कहाँ से? मैं वैशाली से हूँ, बट यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हूँ। वैशाली से है, बिहार पटना में हॉस्टल में रहती है। क्या पढ़ती है? अभी पटना कॉलेज का पीजी का कोर्स कर रहा हूँ। गांधी मैदान पहले घूमने आती थी या फिर बस पढ़ाई से? मतलब नहीं नहीं आती थी घूमने, यहाँ पास में ही कॉलेज था मगध महिला कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ है तो घूमने आया करती। आज बिहार दिवस के मौके पर आई है घूमने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। घूमी कहीं कुछ? हाँ अभी वहाँ से स्टार्ट करके फिर इधर आए हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ है हमारे बिहार में? हाँ बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लाइक सबसे पहले तो गर्ल्स एजुकेशन है उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है, जो गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स लगाई है गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, लाइक अगर लड़कियां ग्रेजुएशन कर लेती है तो उनको
50,000 रुपए मिलते हैं। इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं लड़कियों के एजुकेशन पे। ये सारी एक अच्छी पहल है जो मतलब डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है। किसी रास्ते से वो पसंद करते हैं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है मोदी बिहार से कोई पॉलिटिक्स? बिहार से कोई नहीं, बिहार से कोई। अच्छा, मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? जो भी है पहले वो तो दिखता ही है कि पहले के अकॉर्डिंग कितना डेवलपमेंट हुआ है हमारी कंट्री में मोदी जी के आने से। हाँ, क्या डेवलपमेंट लाइक, जैसे एजुकेशन में भी लग ही रहा है या फिर इंडिया और फॉरेन का कंट्री दोनों रिलेशन कितना अच्छा हो रहा है, ये सब है तो ये इंटरनेशनल रिलेशन हमारा अच्छा हो रहा है। और कुछ मतलब क्या जो कि बिहार से बाहर रहती है या पढ़ती है और जो बिहार नहीं आ पा रही, क्या मैसेज देना चाहिए? बिहार बदल रहा है, अब बिहार आइए, अब बहुत अच्छा है माहौल, अब पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है। हाँ, पहले से तो है, आना चाहिए। मैसेज क्या देना चाहेंगे प्रॉपर मैसेज किसको, क्या मैसेज? बाहर के लोग, बाहर लोग। हाँ, बिहार बदल रहा है, आप लोग आइए रहिए और हम ही लोग को बदलना ही है अपना, तो सबके बदलने से बदलेगा बिहार, तो आइए सब लोग। प्राउड टू बी बिहारी। थैंक यू। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बिहारी है तो बिहार का भी बस अच्छा ही लगता है। बिहार में रहती, बिहार से बाहर रहती? नहीं, बिहार में रहती, बिहार पटना में रहती। ये बताइए कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है बिहार में इतने दिनों में? आप तो बहुत, नीतीश कुमार के आने से तो बहुत चेंजेस हुए हैं। पहले मैं यहाँ नहीं रहती थी लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है बिहार पहले के मुकाबले। जी, क्या क्या विकास हुआ? जैसे मैं, एजुकेशन में हुआ है, एम्प्लॉयमेंट मिली है और सबसे अच्छी बात सड़क वगैरह सब अच्छी हो गई है, चोरी डकैती कम हो गई है पहले के मुकाबले। पहले तो दिन दहाड़े ही हुआ करती थी, अभी सब ठीक है तो अच्छा लग रहा है। हमारा बिहार 111 साल का हो गया है, सांस्कृतिक सभ्यता जो हमारे सबसे पुराना रहा है। जो बिहार से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो बिहारी है बिहार छोड़कर चले गए, क्या उनको वापस आना चाहिए बिहार को देखने के लिए, समझने के लिए, क्या कहना? जी बिल्कुल, आना तो चाहिए, अपनी मिट्टी है, अपनी मिट्टी से दूर रहना नहीं चाहिए, तो आकर एक बार देखें कि पहले वाला बिहार अब नहीं रह गया है, तो इस हिसाब से उनको एक बार तो जरूर आना चाहिए, अपना माइंड थोड़ा चेंज करके देखें। बाहरी सब कुछ नहीं है, बिहार में भी अब बहुत कुछ हो गया है। क्या क्या यहाँ पे आपने देखा और क्या कुछ स्टॉल लगाए गए हैं बिहार की संस्कृति सभ्यता को? सबसे पहले तो मैंने एजुकेशन वाला देखा, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक थे और गेम्स वगैरह मैथ का बहुत कुछ था। फिर महिला और बाल विकास के ऊपर बहुत कुछ है, मेरे हस्बैंड को जीविका में है। अच्छा, जी, तो जीविका में भी बहुत सारा है, कैसे कार्यकलाप होता है गाँव में, वो सारी चीजें हैं, बहुत डेवलपमेंट हुई है गाँव के स्तर पे, तो मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत कुछ जानकारी भी मिली बिहार दिवस में, क्या क्या हमारा मतलब बिहार डेवलप कर रहा है, और पर्यटन विभाग हम लोग को बहुत अच्छा लगा जहाँ हमें देखने को मिला कि क्या क्या चीज है जो बिहार में हम लोग घूम सकते हैं, और भी बाहरी लोग जो है वो आकर एक बार बिहार को देखे कि बिहार के लोग कितने अच्छे हैं और मेहनती हैं, वो यहाँ पे दिखा है। बहुत सारे विभाग है, पर्यटन विभाग है, कृषि विभाग है, ट्रांसपोर्ट विभाग भी दिखा, तो मुझे अच्छा लगा। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ब्लॉक दिखाया गया है जिसमें आप अवेयर हो सकते हैं, जानकारी मिल सकती है आपको कि बिहार में कितनी ऊंचाइयों पर बिहार अभी पहुंच पाया है। बदलाव में बहुत कुछ है, सबसे ज्यादा है बदलाव में हम आपको अवेयर होना है के लिए। बिहार तो है ही, वो एक तरह से कहिए कि बिहार अवेयरनेस में तो आगे है ही। हमारे देखिए जितने भी लेबर लोग होते हैं बाहर जाते हैं और मेहनत करते हैं, तो इससे तो एक तो सीधा एक क्या कहेंगे उसको कि आवाज जाती है कि हम लोग मेहनती हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ से आई? कुम्हरार से। कुम्हरार से आप? बिहार 111 साल का हो गया, क्या कुछ बदलाव हुआ है? पापा ने कुछ बताया होगा बिहार के बारे में, अब कैसा लग रहा है या फिर कुछ देखा अभी? बहुत सारा चेंज हो गया, रोड वगैरह बहुत अच्छा बन गया, विकास हुआ है। और क्या कुछ विकास देखना चाहती है अभी और आने वाले समय में? और हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा अच्छा हो जाए, बहुत सारा चीज है तो चेंज होना चाहिए। तुम क्या देखना चाहती? क्या नाम? तनु। नाम कहाँ से? छोटी पहाड़ी।
क्या कुछ बदलाव हुआ बिहार में और आकर के पटना में कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, तो देख के तो अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा मतलब थिंकिंग में बदलाव होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा अभी थिंकिंग यहाँ का चेंज नहीं हुआ है। क्या थिंकिंग जैसे में? मतलब कुछ भी लड़का लड़की को लेकर थोड़ा ज्यादा यहाँ भी थोड़ा ये है। अच्छा। और एजुकेशन में थोड़ा चेंज होना चाहिए, शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, बहुत ये लेता है विकास में। ठीक ही है, मतलब हो ही रहा है धीरे धीरे, और होना चाहिए। रोड थोड़ा और जहाँ था, जगह भी बहुत गड्ढा हो रहा है।